देखिए, ये है हमारे पास अक्टूबर का कैलेंडर। और अक्टूबर में क्या है? अक्टूबर में है प्रीति का जन्मदिन। 16 अक्टूबर को है प्रीति का जन्मदिन। और आज क्या तारीख है? आज है 8 अक्टूबर। तो भाई, अब जो है रोहित कुछ जानना है कि प्रीति का बर्थडे कब आता है। तो वो तो हमें दिख रहा है कैलेंडर में कि आज है गुरुवार, आज है थर्सडे, और प्रीति का बर्थडे आएगा फ्राइडे को, यानी कि शुक्रवार को। लेकिन बिना कैलेंडर देखे हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि हम ये पैटर्न देखते हैं। ये है एक कॉलम, ये जो लंबी वाली लाइन होती है ये होती है कॉलम की। अब हम इसके पैटर्न्स देखते हैं। तो देखिए कि आप बताइए कि थर्सडे, अगर थर्सडे का हम कॉलम देखें कैलेंडर में, तो जो अगली तारीख है वो कितने दिन बाद आ रही है बताइए? तो जो अगली तारीख है वो आप देखें कि एक में आप आठ को जब आप प्लस सेवन करोगे, प्लस सात दिन जोड़ोगे, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सात दिन होते हैं। देखिए, ये है एक, एक दो तीन चार पाँच छः सातवां दिन। तो एक हफ्ते में सात दिन होते हैं, तो हमें प्लस सात दिन करने पड़े, तो प्लस सेवन। तो एक में जब हम आठ छोड़े तो वो प्लस सेवन डेज है, सात दिन आगे हो गया है। उसमें भी हम सात दिन आगे हो गए हैं, और इसमें भी प्लस सेवन हो गया है, और इसमें भी प्लस सेवन हो गया है, यानी कि वन प्लस एट जो है, वन में हम प्लस सेवन करेंगे तो आठ आएगी तारीख। ठीक है, तो अब हमें पता है कि, तो फिर जो अर्जुन है उसने ना रोहित को बहुत आसान तरीका बताया याद रखने का कि बिना कैलेंडर देखे हम दिन कैसे बताएं कि अब कौन सा दिन है, कि एक तारीख से दूसरी तारीख पर जाएं तो कौन सा दिन होगा वो। तो देखिए, अब हर अगर हम आज अगर आज आठ तारीख है और 15 अक्टूबर को मेरे स्कूल खुल रहे हैं, अगर आप सोचें कि मेरे जो स्कूल हैं वो 15 अक्टूबर को खुलने हैं अगर, तो एक हफ्ते बाद यानी कि उस दिन गुरुवार ही होगा, उस दिन थर्सडे ही होगा, और वो सात दिन के बाद होगा। तो जो प्लस सेवन है वो हमें बता रहा है कि अगर सात दिन के बाद कोई तारीख है तो वो थर्सडे ही पड़ेगा, मतलब वो सेम दिन ही पड़ेगा। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर आज 7 अक्टूबर है और आज वेंसडे है, तो फिर अगर आज 7 अक्टूबर है तो फिर प्लस 7, अगर हम प्लस 7 करें तो अगर हमें बता रहे हैं कि 14 अक्टूबर को क्या दिन पड़ेगा, तो हम प्लस 7 करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि प्लस 7 मतलब कि जो दिन है वो सेम रह रहा है, यानी कि अगर आज बुधवार है तो 14 को भी बुधवार होगा, अगर 14 को बुधवार है तो 21 को भी बुधवार होगा, अगर 21 को बुधवार है तो 28 को भी बुधवार होगा। तो अब हमें पता है कि आज है 8 अक्टूबर, लेकिन प्रीति का जन्म तो 16 अक्टूबर को है। तो हमें पता है कि अगर हम 8 में प्लस 7 कर दें तो 15 अक्टूबर आएगा, यानी कि उस दिन तो गुरुवार ही होगा। और अगर हम प्लस 8 कर दें, यानी कि ये तो है हमारा प्लस 7 डेज, और ये है हमारा प्लस 7 में प्लस 1, यानी कि 8 दिन बाद जो है वो प्रीति का बर्थडे आने वाला है। तो यानी कि सातवें दिन का जो अगला दिन है, यानी कि अगर हम प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा फ्राइडे, यानी कि अगर आज 8 अक्टूबर है और 8 दिन बाद प्रीति का बर्थडे है, तो उस दिन गुरुवार नहीं होगा, उस दिन शुक्रवार होगा। तो ऐसे करके अर्जुन ने और रोहित ने पता लगा लिया कि प्रीति का जन्मदिन किस दिन पर पड़ेगा, यानी कि प्रीति का जन्मदिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। और अगर हमें निकालना होता कि 16 में हमें 8 जोड़ने होते, तो 16 में हम 8 जोड़ेंगे तो आएगा 24, देखिए प्लस 7 जोड़े तो आएंगे हम 23 पर, और ऐसे आएंगे तो 24, और 24 कब पड़ रहा है? शनिवार को, जो कि शुक्रवार का अगला दिन है। ऐसे ही अगर हमें 5 दिन का बताना, अगर ये 7 दिन है तो ये 6 दिन हो गए। तो अगर हमें बताना है कि अगर आज 8 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर को क्या दिन पड़ेगा, तो उस दिन एक दिन कम पड़ेगा आज से, क्योंकि अब ये 6 दिन हो गए हैं, ये तो 7 दिन है लेकिन ये एक दिन कम है। तो एक दिन जो कम होता है उस दिन पहले वाला दिन हो जाता है, यानी कि बुधवार, और जब ज्यादा होता है तो
प्लस 8 होता है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है, यानी कि उसका आज के दिन का अगला दिन हो जाता है। और ये वाला हमने पैटर्न देखा कि एक जो कॉलम होती है उसके अंदर प्लस 7, मतलब एक कोई भी कॉलम में जैसे कि 5 है तो 5 में हम साल जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो जो ये जो और इन दिनों पर जो हमारा जो दिन है वो सेम रह रहा है, यानी कि सोमवार ही रह रहा है इस रो में, इस कॉलम में। तो ये भी प्लस 7 है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26। और बार बार ये 7 क्यों जमा हो रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो हम जब 5 के बाद दोबारा 12 पे आएंगे तो 7वां दिन होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया ना 7 दिन। तो ये ऐसे करके 7 दिन का पैटर्न होता है।